तो इस समय की बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं, कई राज्यों के सह चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ये नियुक्तियां हुई हैं। तेलंगाना के चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बना दिया गया है और साथ ही कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में सह प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो है उन्हें मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बना दिया गया, नियुक्त किया गया है और साथ ही कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। कुलदीप बिश्नोई है हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं, अब उन्हें राजस्थान में सह प्रभारी नियुक्त किया है। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं। अनिल मोर, एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला यहाँ पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, क्या कुछ मायने देख रहे हैं आप इन नियुक्तियों के? अनिल मोर, देखिए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने हैं उन चुनावों की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी केंद्रीय आलाकमान की तरफ से, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से इन राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। अगर इन राज्यों की बात करें, सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में प्रदेश चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी प्रभात जोशी को दी गई है, वहीं सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी नितिन पटेल और हरियाणा के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई को दी गई है। यूं कहें कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, उनको राजस्थान चुनाव के लिए सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को दी गई है। भूपेंद्र यादव की अगुवाई में कहीं ना कहीं जो तमाम रणनीति है बीजेपी वहां पर बनाती दिखेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी ओम प्रकाश माथुर को दी गई, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। और तेलंगाना में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर और सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सुनील बंसल जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है उनको ये जिम्मेदारी दी गई। यानी बीजेपी जो जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चार राज्यों के लिए बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी भी बनाए हैं और कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की गई। राजस्थान की बात कर लेते, प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी की दी गई है, तो कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि देखिए वहां पर बिश्नोई मतदाता काफी बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को भी कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल अनिल मोर, सही कहा आपने, तमाम जो पायदान है उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है, तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो ऐसे में कई राज्यों के चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र को भी अब ड्यूटी उनकी सौंप दी गई है, उनकी जिम्मेवारी जो है वो लगा दी गई है। और साथ ही कुलदीप बिश्नोई जो कि हरियाणा बीजेपी के नेता भी हैं, राजस्थान के सह प्रभारी के तौर पर उन्हें नियुक्ति दी गई है।